हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल एस के टीच में। तो आज हम 11th के फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, मूल मात्रक और वर्तमान मात्रक में अंतर लिखिए, तो इसका आंसर देखेंगे। तो इन दोनों में अंतर हमें बताना है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो मूल मात्रक में पहला पॉइंट है, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, यानी जो मूल राशियों के मात्रक हैं हम उनको कहेंगे मूल मात्रक, और जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक होंगे उनको कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। तो यही हमारा पहला अंतर है, बहुत ही सरल है। दूसरा है, यह मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, जो मूल मात्रक होते हैं वो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक में क्या है, यह मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, यानी कि जो व्युत्पन्न मात्रक होंगे वो मूल मात्रकों पर निर्भर करेंगे। तीसरा पॉइंट है, एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक होते हैं, और व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या सीमित नहीं, यानी कि इनकी संख्या कोई सीमित नहीं है, ये कई हैं। तो हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आप हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।